सब्सक्राइब कीजिए बियर क्राफ्टिंग चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें और देखिए फैशन एंड होम मेकिंग वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बियर क्राफ्टिंग में। तो आज के वीडियो में मैं डिजाइनर इंडो वेस्टर्न विद ओपन नेट कुर्ती के पार्ट टू की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। पार्ट वन में हमने ब्लाउज बनाया है, तो पार्ट टू में हम ब्लाउज के ऊपर की कुर्ती बनाएंगे जो कि नेट की होगी। ये तो चलिए पहले अपना हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसकी लेंथ है 45 इंच, शोल्डर 15 इंच, चेस्ट 38 इंच, वेस्ट 34 इंच, हिप है 40 इंच, जो नेक की गहराई है वो 3.5 इंच जितना हमने ब्लाउज में लिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर का नेट का फैब्रिक लिया है। देखिए आप, ब्लाउज हमने स्लीवलेस बनाया है और ये फुल स्लीव बनेगा। तो चलिए पहले इसकी मार्किंग करते हैं, फिर कटिंग करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। लेंथ है हमारा 45 इंच, तो यहाँ से हम 45 इंच पे निशान लगाएंगे। ये फैब्रिक 45 इंच पूरा है तो हम पूरा ही रख लेंगे। शोल्डर है हमारा 15 इंच, तो 15 का हाफ 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। चेस्ट है 9.5 इंच, तो यहाँ पे बस मैं 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखूंगी क्योंकि सिलाई में वो ये अंदर की तरफ जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो 10.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच के आसपास शेप देंगे आर्म होल का। अब 4.5 इंच पे गले का निशान लगाएंगे और गले की जो गहराई है वो 3.5 इंच रखेंगे हम, जितना हमने ब्लाउज में रखा है। अब यहाँ से 15 इंच पे वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट है 8.5 इंच और यहाँ भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 9.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब शोल्डर से 21 इंच नीचे हिप का निशान लगाएंगे। हिप है 10 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा तो 11 इंच पे निशान लगा लेंगे यहाँ पे। अब इन तीनों निशानों को ऐसे मिला लेंगे और शेप देंगे। अब ये नीचे की तरफ हम बस ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे बराबर में। आप चाहे तो घेर भी रख सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई, अब हम इसको काट लेंगे। यहाँ शोल्डर 1/2 इंच डाउन करेंगे। यहाँ हिप के पास एक निशान लगा लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो बैक पार्ट हमने काटा है उसको इसके ऊपर रख देंगे ऐसे, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा फ्रंट पार्ट में रखेंगे अपने फैब्रिक को, क्योंकि यहाँ से ओपन स्लिट होगा तो हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। इसको बराबर ऐसे रखकर और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। बाकी सब चीजें हमें सेम ही रखनी है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब ये आर्म होल के पास थोड़ा हम अंदर की तरफ शेप देंगे। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट में यहाँ से हमें बीच से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कट कर लेंगे, क्योंकि ये हमें ओपन रखना है और साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो हम
हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई, अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की जो लेंथ है वो 21 इंच है और हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, तो 22 इंच पे निशान लगाएंगे पहले। अब यहाँ से 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और अंदर की तरफ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे शेप देंगे हम। मोहरी है 4.5 इंच, तो 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये हमारी स्लीव की भी मार्किंग हो गई, अब हम इसको काट लेंगे। अब यहाँ पे बीच में एक निशान लगा लें। अब यहाँ पे फ्रंट साइड में हम थोड़ा सा शेप देंगे। तो हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई, अब हम अपने ड्रेस की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम गले की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए 1 इंच की यहाँ पे स्लैंट पट्टी काट रखी है हमने। अब यहाँ सीधे साइड से रख के और पहले ऐसे गले की सिलाई लगाएंगे, फिर इसे उल्टे साइड पलट के और फिनिश कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक पार्ट में पहले हम ऐसे ही कर लेंगे, फिर शोल्डर अटैच करेंगे। तो हमारे जैकेट की मार्किंग और कटिंग हो गई है, अब इसकी स्टिचिंग हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।